मॉर्निंग बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियमों में आगे अब हम जानेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। इस अनुपात को रिचर ने प्रतिपादित किया था। रिचर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को बताया। उन्होंने बताया कि जब कोई दो तत्व जो होते हैं, जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में संयोग करते हैं, जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी निश्चित भार के तीसरे तत्व के साथ में संयोग करते हैं, तो उसी भार के गुणित अनुपात में वह आपस में भी संयोग करते हैं। अब मतलब जैसे वो तीसरे तत्व के साथ में संयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से वह आपस में भी बिल्कुल उसी अनुपात में संयोग करेंगे। ये बताया था रिचर्ड ने। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि दो तत्व आपके हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्रिया करते हैं दोनों किसके साथ में? दो तत्व आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्रिया करते हैं सोडियम के साथ। तो जब सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तब बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, और जब सोडियम क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी कि यहां पे आप देख लीजिए दो तत्व हैं, दोनों अलग अलग जो है एक निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं। यहां पे दो तत्व हैं, दोनों अलग अलग एक निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं। तो अब अगर हम सोडियम और हाइड्रोजन में रेशियो देखें और सोडियम और क्लोरीन में रेशियो देखें, तो सोडियम का होता है कितना 23 और हाइड्रोजन का 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 23:1। और अगर यहां पे सोडियम और क्लोरीन का रेशियो देखें तो यहां पे रेशियो कितना आ जाएगा 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहां पे जो रेशियो आ गया वो आया 23:35.5, ठीक है। तो अब अगर हम परस्पर यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का रेशियो देखें तो कितना निकलता है 1:30.55। यानी कि अब यहां पे जब HCl परस्पर आपस में संयोग करेंगे, जब HCl आपस में संयोग करेंगे तो इनके अंदर कैसा रेशियो निकल के आएगा भैया 1:35.5। वही रेशियो निकल के आ रहा है जो रेशियो हमको यहां पे मिल रहा था। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है। देखिए यहां पे कहने का तात्पर्य यह था कि जब दो तत्व एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, जब दो तत्व एक निश्चित भार के साथ में संयोग करते हैं और उसी भार में जो है जब आपस में वो संयोग करेंगे तो उनका जो रेशियो निकलता है वो गुणित अनुपात में होता है। जो रेशियो निकल के आता है वो गुणित अनुपात में निकल के आ जाता है। जैसे यहां पे सोडियम और हाइड्रोजन में हमने देखा यहां पे 23:1 और यहां पे 23:30.55 और यहां पे HCl में जब हम रेशियोस का देखेंगे तो 1.35.5 ही निकल के आ जाएगा। मतलब वही रेशियो हमको प्राप्त होगा जो हमें यहां से प्राप्त हो रहा था। इसको हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल के जरिए से इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो अलग अलग तत्व हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो अलग अलग तत्व हैं और ये संयोग करते हैं किसके साथ में? कार्बन के साथ में। किसके साथ में संयोग करते हैं? कार्बन के साथ में। तो मान लीजिए हमने यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाई दोनों की, और कार्बन की जो मात्रा है वो निश्चित है, मतलब डेफिनेट मात्रा है। जितनी मात्रा हाइड्रोजन के साथ में संयोग कर रही है उतनी ही मात्रा किसके साथ में संयोग कर रही है? ऑक्सीजन के साथ में। कार्बन की जो है मात्रा में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे, यहां पे जब कार्बन के साथ में क्रिया करेंगे तो कार्बन के साथ में जब हाइड्रोजन योग करेगा तो बनाता है क्या? मेथेन CH4, यानी कि मेथेन का निर्माण करता है।
जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में योग करते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, मेथेन का। तो मेथेन का निर्माण हो गया। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो बनाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम इन दोनों में जो है रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कार्बन का कितना होता है, अणुभार जो होता है कार्बन का कितना होता है, होता है 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। क्योंकि यहां पे 4 मॉलिक्यूल्स है, मतलब हाइड्रोजन के 4 आइटम पाए जा रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, 1 × 4 = 4। ठीक है, अगर केवल एक हाइड्रोजन का यहां पे होता तो एक होता। अब चूंकि 4 हैं, चूंकि 4 पार्टिकल मौजूद है, 4 परमाणु मौजूद है, तो उसको जो है हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का होता है 1, 4 परमाणु थे इसलिए यहां पे हो गया 4। तो ये कितना आ गया, 12:4, यानी कि 12:4 निकल के आया है मेथेन के अंदर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखेंगे तो कार्बन का तो आपको पता है कि कितना होता है, 12। कार्बन का कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु का जो अणुभार होता है वो होता है, परमाणु भार इसका कितना होता है, 16। एक ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो दो ऑक्सीजन परमाणुओं का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 × 32, यानी कि 32। अब दो ऑक्सीजन परमाणुओं का जो परमाणु भार है वो हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसका रेशियो निकल के आया है 12:4 और इसका रेशियो निकल के आया है 12:32। अब हम परस्पर देखेंगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो उनमें वही रेशियो प्राप्त होगा जो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर रेशियो मिल रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं H2O। यहां पे हाइड्रोजन का रेशियो देखिए कितना निकला था, 4। और यहां पे ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकला था, 32। 4:32। अगर इसको आप काट दीजिए तो 4 × 4 = 32, यानी कि 1:8 है, 1:8। तो अब हम देखेंगे क्या जल के अंदर भी 1:8 पाया जा रहा है। अगर जल के अंदर भी 1:8 पाया जा रहा है तो मतलब जो ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है ये सही है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो परस्पर अनुपात है वो कितना है, 1:8। तो यही अनुपात अगर हमको यहां पर भी मिलेगा तभी यह नियम सही माना जाएगा। तो हाइड्रोजन के यहां पे कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो यहां पे रेशियो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का होता कितना है, परमाणु भार 1, और यहां पे चूंकि 2 पार्टिकल है इसलिए 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहां पे 16 हो गया। अब जब हम इसको देखेंगे, इसको आप काट दीजिए, 2 × 2 = 16, यानी कि हमको वही रेशियो मिल रहा है जो यहां पे रेशियो मिला था, हमको वही रेशियो प्राप्त हो रहा है जो रेशियो हमको यहां पे प्राप्त हुआ था, अर्थात व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है वो सही है। जिस भारानुपात में इन दोनों लोगों ने आपस में संयोग किया, जिस भारानुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बन से संयोग किया, अलग अलग जिस भारानुपात में इन लोगों ने संयोग किया है उसी भारानुपात में आपस में भी संयोग किया है। आपको समझने वाली बात यह है कि जिस भारानुपात में दो अलग अलग तत्व, देखिए कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी कि दो अलग अलग तत्व एक निश्चित भार के तत्व के साथ संयोग करते हैं, एक निश्चित भार के साथ में संयोग करते हैं तो क्या होता है, तो उनके जो तत्व होते हैं उनका जो रेशियो निकलता है वो वही रेशियो होता है जो उनके परस्पर क्रिया करने पे निकलेगा। जब इनमें जो रेशियो निकल रहा है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो निकल रहा है वो वही रेशियो होगा, जब वो आपस में भी क्रिया करेंगे तब भी वही रेशियो निकल के आएगा। ये जो है नियम दिया गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, रिपीट करके फिर से आप देखिएगा, इसको फिर से बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये नियम रिचर ने दिया था, रिचर ने इसके बारे में बताया था।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि गैलुसैक का नियम क्या है। अब अगला नियम जो है वो है गैलुसैक का नियम। तो गैलुसैक ने जो नियम दिया था वो उनका नियम जो है गैसों के ऊपर लागू होता है। ये नियम इनका जो था गैलुसैक का नियम सिर्फ गैसों के ऊपर ही लागू होता है। इन्होंने बताया था कि जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं, मतलब जब गैसें जो होती हैं वो आपस में जब क्रिया करती हैं और उस क्रिया करने में तब अगर उनमें ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर है, ताप और दाब अगर उनमें स्थिर है तो उनके जो आयतन होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। आयतन होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। कब, जब ताप और दाब स्थिर होता है। और अगर मान लिया जाए कि जो उनके द्वारा क्रिया करने के बाद में जो उत्पाद बन रहा है वो भी गैसे है, जो उत्पाद बन रहा है उसकी भी जो अवस्था है वो भी गैसियस है, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट गैसियस है। अगर उसकी भी फिजिकल स्टेट गैसियस है तो उनमें एक प्रकार का सरल अनुपात पाया जाएगा, यानी कि अभिक्रिया के अंदर जितने गैसीय पदार्थ होंगे सब में एक प्रकार का सरल अनुपात पाया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब ताप और दाब अगर स्थिर होते हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है तो उनके समस्त पदार्थों में एक सरल अनुपात पाया जाएगा। इसको हम उदाहरण के जरिए से समझेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों जो है कैसी स्टेट में है, गैस है, दोनों गैस है और ये आपस में क्रिया करती हैं, ये आपस में क्रिया करती हैं, यानी कि इसका एक आयतन और एक इसका एक आयतन, दोनों आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करने के बाद में बनाते क्या हैं, गैस का ही निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहे हैं। तो इसका जो गैस का आयतन निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, दो आयतन, अगर ताप और दाब स्थिर है, तब ताप और दाब अगर स्थिर है तो उसमें दो आयतन निकल के आ रहा है। यानी कि अगर हम इनके अंदर रेशियो निकालें तो रेशियो निकलेगा 1:1:2, एक रेशियो होगा हाइड्रोजन का, एक रेशियो होगा क्लोरीन का और दो रेशियो होगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक गैस का। यानी कि इनके अंदर आपको दिख रहा होगा एक सरल अनुपात पाया जा रहा है। अगर ये तीनों जो है गैसियस स्टेट में है तो इनके बीच में एक सरल अनुपात मिल रहा है, ठीक है। तो गैलुसैक ने यही बताया था कि जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो अगर ताप और दाब स्थिर रखा जाता है तो उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है। तो देखिए इनमें परस्पर सरल अनुपात पाया जा रहा है, तो उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है, उनमें परस्पर सरल अनुपात होता है, और यदि उनके द्वारा जो गैसियस उत्पाद बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो भी अगर गैसियस है तो उनमें जो है परस्पर आपस में भी सरल अनुपात पाया जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है 1:1:2, ठीक है। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अगर ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है।